एक संत ऐसा भी जो सावन में कराते हैं एक क्विंटल मरीचा का हवन और 12 वर्षों से भोजन भी नहीं किया। आपको पता है हमारा देश ऋषि मुनि एवं संतों का देश कहा जाता है। न जाने इस भारत की धरती पर कितने वीर सपूत एवं ऋषि मुनियों ने जन्म लिया। आइए हम भेंट कराते हैं एक ऐसे संत से जो क्विंटल की क्विंटल मिर्चा का हवन करते हैं। हाँ, थोड़ा सुनने में तो अजीब लगा होगा, लेकिन यह हकीकत है। यह वही संत है जो 12 वर्षों से भोजन भी नहीं किए हैं। बेलपत्र, अकवन पत्र, दूभ का भुंगा खाकर अपना जीवन यापन करते हैं एवं भगवान भोलेनाथ और माँ काली का पूजा करते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के छपरा के संत जयराम दास उर्फ बिलपतिया बाबा का, जिन्होंने माँ दक्षिणेश्वरी काली मंदिर पानापुर के रसौली गांव में रहते हैं। बाबा गांव के ही मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं एवं वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए और भूत पिशाच जैसे साया को भगाने के लिए मरीचा का हवन करते हैं। बाबा का कहना है कि मरीचा का हवन विश्वामित्र जी भी किए थे। सावन में मिर्चा के हवन करने से भगवान भोलेनाथ खुश हो जाते हैं और जादू टोना भूत प्रेत जैसे साया भी घर से दूर हो जाता है, इसलिए बाबा मिर्चा का हवन कराते हैं। बाबा मिर्चा का हवन 12 वर्षों से कराते आ रहे हैं। बाबा से भेंट करने के लिए दूर दराज से लोग आकर दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेकर अपने घर जाते हैं। लोगों का कहना है कि बाबा से जो लोग भी अपना दुख प्रकट करते हैं उनका दुख भी हर लेते हैं और लोग खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। यही कारण है कि छपरा के बिलपतिया बाबा लोगों के भगवान के रूप में हो गए हैं। मंगलवार को जो एक क्विंटल मिर्चा के हवन कराएंगे, इसका क्या क्या बेनिफिट फायदा क्या होगा? जी, इसका बेनिफिट फायदा है कि जो बुरा नज़र है और जो जुरा वायरस है और किसी का बात विचार गलत है और जो घर का भूत प्रेत का जो जादू टोना का भी छाया होता है, किसी प्रकार का घर में बहुत बड़ी समस्या होता है, किसी का नज़र भी लगा रहता है, जो बहुत बड़ा का किसी समस्या से जो पूरी फैमिली अजुराया रहता है, सबसे बड़ा इस मिर्चा के हवन से उद्धार होता है हर एक परिवार का और बहुत बड़ा एक कल्याण होता है जो भगवान शिव का ये वरदान है जो विश्वामित्र जी इस मिर्चा का हवन करते थे। इससे तो लोगों के झांक से तो घर छोड़ के लोग भाग जाएंगे। ये तो किसी का मन में अगर भावना अगर अच्छी होगी कि नहीं बाबा भगवान माता का कृपा है जो बाबा मिर्ची के इतने बड़ा अगर गॉड गिफ्ट है हवन कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है, और जिसके मन में थोड़ा सा गलत विचार हो वही झाक लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। और जिसका अगर उधार कराना होता है, कल्याण कराना होता है मिर्ची के हवन से, मनुष्य को बहुत बड़ा उधार होता है मानव का, जो छोटा छोटा देखते हैं बच्चे का भी नज़र लगता है, जो एक मिर्ची छुरू कर लोग जराता है तो पूरे घर में परिवार होता है। हमारा के कटल बैठने कभी माँ